और जो शहद लगाए देखते हैं उस शहद में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 10 रोटी और अंडा चिली खा करके इनाम की राशि ले जाते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा चिली और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा चिली और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा चिली के साथ में लगा हुआ है रोटी। आज हमारा अंडा चिली रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और प्रमोद जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन जो है 1000 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ अंडा चिल्ली और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं और दोनों पूरी तरह से एकदम हिम्मत बना के बैठे हैं कि आज हमें 1000 रुपए लेकर जाना है तो जाना है। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। दोनों लोग पूरी तरह से छा चुके हैं। प्रमोद जी पहला अंडा उठा लिए, दूसरा अंडा खा रहे हैं और फूलचंद जी रोटी को ही दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो शहद लगाए देखते हैं उस शहद में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 10 रोटी और अंडा चिली खा करके इनाम की राशि ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब जाके फूलचंद टूट पड़े हैं रोटी पर, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं आज। पहले रोटी उड़ाते हैं उसके बाद अंडा चिल्ली को खाते हैं। बहुत बढ़िया। आज रोटी बोटी तो नहीं है लेकिन रोटी और अंडा जो है बहुत गजब का बना हुआ है। और यहाँ पर प्रमोद पूरी तरह से जो अपना पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं, वो ऐसा लगा रहे हैं कि फूलचंद को हराने के लिए पूरी तरह से आतुर हो चुके हैं। और सोच तरह से चाइनीज आइटम बना हुआ है आज चैलेंज में। और आज जो चैलेंज में चाइनीज आइटम है, इस चाइनीज आइटम को पूरी तरह से सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करें और 1000 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर घर जाएं। तो देखना है चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। और हमको लग रहा है चाइनामेट जैसे चैलेंज है उसी तरह से चैलेंजर भी है। और हमको लग रहा है अंडा और रोटी जो है 3-4 मिनट के अंदर ही उड़ा देंगे। बहुत गजब। और बहुत ही गजब तरीके से फूलचंद की जो एक्सीलेटर चालू हुआ है बहुत गजब तरीके से चालू हुआ है। बड़े ही मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं फूलचंद और इस झूमते हुए नजर को पूरी तरह से नजर उतार लेना चाहते हैं प्रमोद। सोच रहे हैं कि सोच रहा है पहले अंडा उड़ा लेते हैं उसके बाद रोटी तो उड़ा ही लेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। और देखते हैं जो रोटी और अंडे का चैलेंज लगा हुआ है उस चैलेंज में कितना आगे जाते हैं। बहुत बढ़िया। सोच रहे हैं कि अगर अंडे को ठंडा कर लेंगे तो समझ के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अंडे को ठंडा करने के लिए बहुत ही गजब तरीके से दमखम लगाना होगा। और यहाँ पर फूलचंद का अंडा पूरी तरह से गोली निकल कर बाहर जाना चाह रही है लेकिन बाहर हो नहीं पा रही है। कोई दिक्कत नहीं, गोली गायब नहीं हो पाएगी, गोली खाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। हाँ। 2 मिनट का समय टाइमर तय करने वाला है तो इन लोगों के पास अभी सिर्फ 5 रोटियां बची हुई है। 5 रोटियां गायब कर चुके हैं, आधा चैलेंज 2 मिनट में गायब कर चुके हैं। 3 अंडा और 5 रोटी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और 3 अंडा और 5 रोटी देखते हैं कितने समय में गायब करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। हमको लग रहा है 4 मिनट के अंदर जिस हिसाब से खा रहे हैं 4-4.5 मिनट में खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत गजब। और फूलचंद की स्पीड भी बहुत अच्छी लग चुकी है और रोटी और अंडा पूरी तरह से एक साथ ऐसा स्पीड बनाए हैं कि साथों साथ पूरी तरह से बाइट चली जा रही है अंदर। और इधर प्रमोद अपने आप को पूरी तरह से परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें किसी न किसी बेस पे फूलचंद को हराना है। और वास्तव में बढ़त तो बनाए हैं लेकिन उस बढ़त को पूरी तरह से छाप लिए हैं फूलचंद और आगे जाने नहीं दे रहे हैं। आज चल नहीं रहा है, रुक गया है, स्पीड ही नहीं पता लग रही है और इन लोगों की स्पीड हवा में उड़ रही है। बहुत बढ़िया। और तीन कितनी स्पीड लगाते हैं, क्या 5 मिनट से पहले उड़ा पाते हैं उससे बाद उड़ाते हैं। बहुत गजब। और 3 मिनट होने को है और अभी भी इन लोगों के प्लेट में 3 रोटी, प्रमोद के प्लेट में 3 रोटी 3 अंडा जबकि फूलचंद के प्लेट में 3 रोटी और 2 अंडा। डेढ़ अंडा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से। बहुत गजब। और देखते ही देखते 3 मिनट 10 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और अभी भी दोनों लोग पूरी तरह से जूझ रहे हैं, एकदम भयंकरता का परिचय देते हुए दोनों लोग। प्रमोद जी क्या करते हैं आज, फिर अंडा और चिल्ली का स्वाद लेकर के जाते हैं रोटी का या फिर इनाम भी लेकर के जाते हैं? नहीं, प्रमोद की जो स्पीड है वो तो अभी स्पीड हो चुके हैं, स्पीड बनी हुई, लेकिन इनके स्पीड को पूरी तरह से मात देते नजर आ रहे हैं फूलचंद। और अपने स्पीड को बरकरार रखेंगे प्रमोद जी तो 100% जीत हासिल कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं फूलचंद। और रोटी मंगाते क्या, गजब। रोटी मंगाने के लिए बोल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि रोटी खाने की इच्छा और है। तो प्रमोद जी क्या ऐसा लग रहा है कि प्रमोद जी की जो स्पीड है बहुत काफी हद तक धीमी हो चुकी है। और दो अंडे और चिल्ली कितने समय में कंप्लीट करते हैं, अभी भी
चाहेंगे तो प्रमोद जी फूलचंद जी को पकड़ अभी जीत सकते हैं, बहुत आराम से जीत सकते हैं, अगर चाहेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन प्रमोद जी अपने आप को सोच रहे हैं कि दौड़ाएंगे नहीं, ज्यादा थकाएंगे नहीं, और एक स्पीड में चलेंगे, उसी स्पीड में अगर चलते रहेंगे तो 100% जाएंगे। अभी भी दम है प्रमोद जी अभी, लेकिन दोनों लोग रोटी उठा लिए हैं, एक एक रोटी बची है। बहुत गजब, बहुत गजब आ रहा है प्रमोद जी, आ जाइए और परफॉर्मेंस हारने लगता है तो कहते हैं चलो कम से कम ऐसे कहने से थोड़ा सा डाउन हो जाता है चैलेंजर, हाँ थोड़ा सा। और बहुत बढ़िया फूलचंद पूरी तरह से गर्दन का इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि मार दो मार दो, ले जाओ ले जाओ, लेकिन अपने आप को खुद स्पीड में बना के रखे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे ही प्रमोद हाई स्पीड पकड़ेंगे हम तो पूरी तरह से बाइट समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छी कोशिश है और हमको लग रहा है 5 मिनट क्रॉस कर जाएगा टाइमर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्रॉस करने की बात ही छोड़िए, क्रॉस करने वाला है। 2 मिनट में 5 रोटी और 3 अंडा बिल्कुल उड़ा दिए थे और आखिरी 2 मिनट के बाद जो है थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, तो देखते हैं जो साथ लगाए उस साथ में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते फूलचंद की जो बाइट है पूरी तरह से अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है और प्रमोद जी को दौड़ो दौड़ो कर करके खुद ही दौड़ा दिए है, मतलब चैलेंज से ही। तो बहुत गजब, और लास्ट कम्प्लीट करते हैं, लास्ट बाइट की ओर फूलचंद इशारा कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि प्रमोद अगर जीतना चाहे तो जीत जाए, हम बैठ चुके हैं तो प्रमोद जी अगर चाहे तो थोड़ा सा स्पीड लगा के भाग सकते हैं, लेकिन प्रमोद जी भी समझ चुके हैं कि प्रमोद जी भी सोच रहे हैं आराम आराम से उसी हिसाब से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो प्रमोद जी आए, हौसले दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं। और 2 बाइट अभी भी बची हुई है और पता नहीं क्या छांट छांट के खा रहे हैं, अंडा अंदर से अंडा को निकाल रहे हैं, अंडा को ठंडा कर रहे हैं। एक गोली लेकर बैठे हैं फूलचंद, उस गोली को कुछ समझ में नहीं रहे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सोच रहे उसी गोली से उड़ा देंगे प्रमोद जी को। हाँ उसी गोली को खाएंगे तभी जीत पाएंगे। तो अब देखिए फूलचंद गोली खाना चालू कर दिया और खा भी लिए, और देखते देखते फूलचंद 6 मिनट 7 सेकंड आखिरी बाइट तक पहुंचा दिए। तो प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। अंडा चिल्ली रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में फूलचंद जी विन कर चुके हैं, फूलचंद जी की नाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोनों चैलेंजर अपनी बहुत गजब की कोशिश दिखाए और उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते, लेकिन प्रमोद जी लगभग लगभग पीछे होते चले गए और फूलचंद इतना स्पीड दिखाए, लगातार कंटिन्यूटी वाली स्पीड दिखाए जिसके वजह से जीत हासिल कर लिए और इनाम की जो राशि है इनके हाथ में भी पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? कितना है? 1000 पूरा है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फूलों पैसों का पूरा गुलदस्ता बना लिए है। हाँ, तो अंडे चिल्ली और रोटी खाने में कैसा लगा? बहुत मजा आया, और ज्यादा तीखा तो नहीं था? नहीं नहीं तीखा नहीं था, खट्टा मीठा था, मस्त मजा था। तो एक चीज बताइए, आप गोली अकेले निकाल के क्यों टहल रहे थे? वो प्रमोद जी के लिए। अच्छा, प्रमोद जी के लिए गोली निकाल रहे थे? डरा रहे थे। अच्छा भागे हम भागे। अच्छा मतलब जैसे भागने लगे गोली मार देंगे? हाँ। तो प्रमोद जी भागे नहीं है, गोली का असर केवल आपको ही उस गोली को सेवन करना पड़ा। तो चलिए ठीक है, इस चैलेंज में बाइट से प्रमोद जी पीछे रह गए, प्रमोद जी आए, हौसले दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश दे दिए। फूलचंद जी हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यार दोस्तों से यही कहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ आके कभी भी आप लोग बैठ के चैलेंज कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इनाम की राशि आप लोग भी जीतते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।